फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ब्लेसिंग्स एक्वेरियम। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अनबॉक्सिंग का वीडियो, जिसमें हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे इम्पोर्टेड जापनीज कोई फिश आए हैं। क्या वैरायटीज़ हैं, किस तरह से हम इनको क्वारंटाइन करने वाले हैं या किस तरह से हम इनको प्रॉपरली सेट करने वाले हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल हमने ले लिया एक टब, पॉन्ड हमारा एकदम रेडी है। कल ही हमने इसको कम्प्लीटली क्लीन कर दिया था, एक दिन पहले हमने इसको कम्प्लीटली क्लीन कर दिया था, मेडिकेट कर दिया था, स्ट्रेस फ्री सब कुछ डाल के रेडी रखा है। अब यहाँ पर दो टब्स हमने ले लिए हैं, जिसमें कि हम इस फिश को थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीवर में थोड़ा देर रखेंगे, एक्लिमेट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, अभी हमारे पास दो साइजेस आए हैं। एक जो है वो इट्स अराउंड 5-6 पॉइंट समथिंग इंचेस, और एक जो है हमारे पास बड़ा साइज आया है, रेड एंड वाइट। बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग कोइज आए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अब इस टब में, क्यों मैं इतना डिटेल में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के फिश प्रॉपरली एक्लिमेट ना होने की वजह से मॉर्टेलिटी काफ़ी हाई होती है। सो ये मॉर्टेलिटी हाई ना हो, इसी के लिए जिस तरह से हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, उसी तरह से आप भी इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने अब जो पानी जिस टैंक में या जिस पॉन्ड में हमने इन कोई फिश को इंट्रोड्यूस करना है, उसी का पानी हमने इस बकेट में, या इसे आप बताइए बोल लीजिए, टब में लिया है। अब उसमें हम जो फिश हैं इनको फ्रेश वाटर में डाल रहे हैं। फिलहाल हमने इसमें किसी भी तरीके का, टब में किसी भी तरीके का कोई मेडिकेशन या स्ट्रेस रिलीवर या बाकी कोई भी ऐसी चीज़ डाली नहीं है। द रीज़न बीइंग, डायरेक्टली पानी में हम इनको छोड़ रहे हैं क्योंकि पॉन्ड हमारा कम्प्लीटली क्लीन है। एक दिन पहले ही हमने अच्छे से वॉश करके, मेडिकेट करके, स्ट्रेस ये करके, एंटी क्लोरिन डालकर उसको प्रॉपरली सेट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए, एक के बाद एक बैग्स हम ओपन करते जाएंगे और फिश जो है वो इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। इन द मीनवाइल, ये वीडियो देखते देखते आप इनमें से कितने फिश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नाम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा तो पर्सनल फेवरेट, ये भी आप बताइए कि इसमें से आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है। मेरा पर्सनल फेवरेट इसमें से है द ट्राई कलर, आई जस्ट लव इट, क्योंकि जो रेड वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता है, जो दिखता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एंड मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी लोगों को ये रेड एंड वाइट कॉइस बहुत पसंद आते हैं। तो लेट्स सी कितने लोग हमारे, कितने सब्सक्राइबर्स हमारे, कितने व्यूअर्स, कितने हॉबीज, कितने फिश कीपर्स, फिश लवर्स जान पाते हैं कि ये कौन सी वैरायटीज़ हैं। तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड चलिए, अब जो है पैकेट हमारे एक एक करके हम एम्प्टी कर रहे हैं, एम्प्टी आउट करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई और क्या फिश हम, कोई और क्या मेडिकेशन हम यूज़ करने वाले हैं, वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सो दो पैकेट्स आर ऑलरेडी डाउन, दिस इज़ द थर्ड पैकेट। और यहाँ से भी देखिए, थर्ड पैकेट से में जो है फिश हम अब इस टब में डाल रहे हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं जो लेट ज्वाइन किए हैं, मैं उनको एक बार फिर से बता दूँ कि ये टब में का जो पानी है, दिस इज़ द वाटर फ्रॉम आर पॉन्ड, दिस इज़ फ्रॉम आर पॉन्ड, जो कि एक दिन पहले हमने प्रॉपरली वॉश करके, मेडिकेट करके, एंटी क्लोरिन डालकर कम्प्लीटली सेट कर दिया था। वाटर पैरामीटर्स, TDS सब कुछ चेक कर चुके हैं एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ फाइन, दैट इज़ द पॉन्ड। वहाँ पर थर्मोस्टेट भी हमने लगा दिया था बिकॉज पुणे में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अब बिकॉज हमने पैकेट्स ओपन कर दिए हैं, छोटी हमारी जो फिश हैं, छोटा साइज जो है उसमें, उस टब में, तो अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ स्ट्रेस रिलीवर वहाँ पर। तो दूसरा जो आप टब देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, इसमें बड़े साइज़ के ये जो पैकेट्स हैं, ये ओपन होकर डलना शुरू हो जाएंगे। इन द मीन टाइम, छोटे फिश को हमने अच्छे से मेडिकेशन में रख दिया है, थोड़ी देर के लिए हम इनको रख देंगे मेडिकेशन में, सो दैट कोई भी चीज़ का बाद में हमको प्रॉब्लम ना हो, स्ट्रेस ना हो या कुछ ऐसी चीज़ें ना हो। अब जो है देखिए, साइज़ में आपको दिखा दूँ, रेड एंड वाइट जो कोइज़ हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल साइज़ है। देखिए, बहुत बड़ा साइज़ है, बहुत ही हेल्दी फिश है एंड समहाउ आई थिंक दे आर लुकिंग रियली क्यूट इन दिस टब। बट आप ज़रूर बताइएगा, उप्स पर आप ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं, आपको कौन से पसंद आए। एंड बड़े साइज़ में सिर्फ रेड एंड वाइट कोइज़ मैंने मंगवाए हैं। बार बार मेरे मुँह में इनका नाम आ रहा है, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक देयर नेम बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन वॉट इज़ द नेम ऑफ दीज रेड एंड वाइट कोइज़ एंड ऑल्सो हाउ मेनी ऑफ द कोइज़ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट साइज कैन यू आइडेंटिफाई। माने कितनी ऐसी कोइज़ हैं जो कि छोटे नीले हमारे टब में जो हैं, जो हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था,
उसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। दोस्तों कोइज आर एक्चुअली पॉन्ड फिश, बहुत ही हार्ड लाइफ इनकी होती है। जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए कि इनको आप फिश टैंक्स में ना डालें। ऑल्सो वेदर चेंजेस का वैसे कोइज पे कोई ज़्यादा असर नहीं होता बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बींग पॉन्ड फिश। दे आर मेंट टू बी केप्ट इन मतलब बाहर आउटसाइड आउट गार्डन्स में कोई पूल है पॉन्ड है उसमें, लेकिन विद द फ्लक्चुएटिंग वेदर इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर देम। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसी कोई सिटी में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेदर फ्लक्चुएशन है, मतलब जैसे पूना में इस वक्त रात को 16-18 डिग्री हो रहा है एंड दोपहर में 23 डिग्रीज हो रहा है एंड दिस इज़ द वेदर फ्लक्चुएशन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ऐसा कुछ वेदर फ्लक्चुएशन है तो एक थर्मोस्टेट आप ज़रूर लगाइए। अगर पॉन्ड है उसमें भी आप लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये जो फ्लक्चुएटिंग वेदर फिश पे अफेक्ट करेगा वो अफेक्ट होना बंद हो जाएगा एंड आपका जो फिश है इन अ लॉन्गर रन काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। मरने की जो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हमने जो है मेडिसिन डाल दिया है और फिश को अच्छे से हम प्रॉपरली सेट करेंगे। अब हमारी जो बड़ी वाली रेड एंड वाइट है यहाँ पे देखिए, द मीन टाइम छोटी वाली जो कोइज हैं दे आर सेट टू गो इन द पॉन्ड। तो इसमें हमने इनको निकाल लिया, हमने इनको कोशिश की बकेट में निकालने की बट नंबर बहुत ज़्यादा था, तो देन वी ट्रांसफर देम इन दिस पैकेट दीज बिग वंस। ये देखिए, सो दिस इज़ अ ब्लैक एंड वाइट कोई, वेरी ब्यूटिफुल साइज आप देख लीजिए, स्केललेस कोइज हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी, एक्सट्रीमली हेल्दी। आप अगर देखेंगे तो बॉडी पेट का साइज जो है फुल अच्छे से उभरा हुआ है, कैन सी द कॉनकेव स्टमक कमिंग आउट, और बहुत ही स्टर्डी फिश हैं कोइज, आपको तो पता है। और जहाँ तक हो सके कोई के साथ अगर आप कोई और फिश डालने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के होमवर्क करके डालिए, बिकॉज कोइज बींग पॉन्ड फिश दे आर क्वाइट हार्ड लाइफ एंड एट टाइम्स दे कैन ईट अदर फिश ऑल्सो, सो यू नेवर नो। अगर छोटे आपने कुछ टेटरा वगैरह डाल दिया तो डेफिनेटली कोइज, टेटरा, गप्पीज इनके साथ मत डालिए। हाँ, अगर आप आउटडोर पॉन्ड के लिए सोच रहे हैं तो फिर इनको काफ़ी सारा शेल्टर दीजिए, सो दैट गप्पीज अगर आप इनके साथ डाल रहे हैं तो गप्पी के बेबीज़ वगैरह जो है वो जो प्लांट्स का शेल्टर आपने दिया है उसके अंदर अच्छे से सेटल हो जाएंगे, छुप जाएंगे एंड देयर विल बी नो मोर्टेलिटी। और यहाँ पे देखिए हमारे पॉन्ड में छोटे कोइज हमारे बहुत खुश हैं, डाल दिए हैं हमने, ब्यूटीफुल, जो भी आता है उनको बहुत अच्छा लगता है ये। अगर आप पूना में हैं तो ज़रूर हमें विजिट कीजिए, वी आर लोकेटेड इन विमान नगर एंड आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड साथ ही यू कैन रीच अस एट blessings.aquarium@gmail.com अगर आपको कुछ क्वेरीज और है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो कोइज हैं अब ये सेटल हो चुके हैं, नाउ इट्स देयर टर्न टू गो इन टू द प्लास्टिक बैग एंड देन उनको हम देखते हैं कि कौन से टैंक में इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर श्योर छोटे और बड़े जो फिश हैं उनको हम पॉन्ड में एक साथ नहीं डालना चाहते बिकॉज दोनों के साइज़ अलग है, दोनों की वैरायटी अलग है, तो ऑफकोर्स हम चाह रहे थे कि दोनों को हम सेपरेट रखें। तो यहाँ पे देखिए रेड एंड वाइट कोइज आर ऑल्सो नाउ एकदम सेट, मतलब एक्लिमेट हो गए हैं। अब इनको हम देखते हैं कि कौन से टैंक में जो है हम डालेंगे। कोइज को हमने इस बैग में डाल दिया है, तो लेट्स सी कि कोइज हम कौन से टैंक में डालने वाले हैं। सो वी हैव सिलेक्टेड दिस टैंक क्योंकि यहाँ पे जैसे देखेंगे आप कि ऑलरेडी यहाँ के जो कोइज काफ़ी सारे सेल आउट हो गए हैं एंड यहाँ पे ऑलरेडी क्लासी कोइज हैं, तो इन्हीं के साथ हम इन रेड एंड वाइट को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले तो जो है लाइट लगा लेते हैं, सॉरी फॉर द मेस, लेकिन जिस दिन भी स्टॉक आता है उस दिन थोड़ा सा स्टोर मेसी होता है। आप भी जानते होंगे अगर आप कहीं से फिश परचेस करते हैं, पॉन्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं, टैंक में इंट्रोड्यूस करते हैं तो थोड़ा बहुत मेसी हो जाता है।
और यहाँ पे देखिए हमारी फिश एकदम रेडी पॉन्ड में जाने के लिए एंड एकदम एक्साइटेड, एंड ये गई पॉन्ड में एंड देखिए कितने अच्छे से एडजस्ट हो गई है। प्रॉपरली इन्होंने स्विमिंग शुरू कर दिया है, एक्सप्लोरिंग शुरू कर दिया है एल टैंक को। देखिए एल टैंक जो है हमारा, उसमें हमारे पास अभी जैसे आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फिल्टर लगा हुआ है, तो हमारा डीप क्लीनिंग हुआ है 2 दिन पहले, एंड एटमैन का जो है इसमें एक्सटर्नल फिल्टर हमने लगाया है, वो मैं दिखा दूंगी आपको। पर इन द मीन टाइम पहले कोइज जो है हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बिकॉज कोइज को बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर चाहिए, तो वाटर शुड बी एक्सट्रीमली क्लीन, एक्सट्रीमली फ्रेश। तो यहाँ पे देखिए हमारे पहले के कोई और अभी के कोई एकदम अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग एट द मोमेंट। मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए। और बिकॉज हमारे पहले के कोई जिसमें ऑलरेडी है, तो नए कोई जो है उनको फूड उठाने के लिए ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं तो फटाफट से जो है एडजस्ट हो जाते हैं फिश। और यहाँ पे देखिए, अच्छा इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ, इफ़ यू वांट कि आपको कोइज में इंटरेस्ट है, तो यू कैन डेफिनेटली पिंग अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और भी कुछ डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड ये देखिए, ये शायद लास्ट पीस है, एक बार चेक करते हैं। यस, दैट वाज द लास्ट पीस। और अब जो है देखिए, मैं आपको पास से दिखा दूँ, ये रही हमारी ब्यूटीफुल न्यू रेड एंड वाइट कोई। मैं बार बार रेड एंड वाइट कोई इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ आप में से कोई इसका ज़रूर ज़रूर मुझे नाम बताइए। ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है। तो दोस्तों ये रहा हमारा एटमैन का कैनिस्टर फिल्टर जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसने कि बहुत अच्छा काम किया है और फटाफट हमारा जो टैंक है, इतना बड़ा टैंक, वो क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि नए नए हॉबीज़ के साथ हम जुड़ते रहें। एंड स्टे ट्यून बिकॉज जल्दी वापस आएंगे एक और अनोखा वीडियो लेकर। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।